नमस्कार, मैं हूं प्रणव सेमर्दी प्रणवान और स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज कल आज और कल में। जानते हैं कुछ मुख्य समाचार। कल श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया जाएगा, जिसका मॉडल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दुबई से चेन्नई पहुंचे 5 यात्री सोना तस्करी में पकड़े गए हैं। लॉकडाउन के दौरान दुबई में फंसे भारतीय यात्रियों को एयर इंडिया की फ्लाइट से चेन्नई लाया गया था। इन सभी को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया था। पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा तो 52 लाख के सोने की तस्करी का खुलासा हुआ। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2019 में उत्तराखंड के रामनगर के शुभम बंसल ने ऑल इंडिया में 43वीं रैंक हासिल की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नगर निगम रुड़की में बेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना हेतु अधिकारियों को शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। रुड़की के अतिरिक्त देहरादून और उधम सिंह नगर में भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मार्च में स्थगित हुई उत्तराखंड विधानसभा सत्र अब सितंबर में आयोजित हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि नियमानुसार 6 महीने के भीतर विधानसभा सत्र बुलाना अनिवार्य होता है, इसलिए सितंबर में विधानसभा का आयोजन किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार ने 5 IAS और 4 PCS अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल करते हुए ट्रांसफर किया है। तो मुख्य समाचारों में इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।